सो गाइज हेलो वेलकम किम छो मजा में। गाइज़ आज की वीडियो में यार बात करने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मेरे फ्रेंड ने रिसेंटली परचेज़ किया है रेडमी नोट 9 प्रो, जैसे ही पहले सेल में ही परचेज़ किया है उसने, और विद इन 1 वीक उसको डिलीवर हो चुका है। और उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं चैनल पर नहीं ला पाया क्योंकि वो कई बार था और उसने ऑर्डर किया था, उसको डिलीवर हो चुका था। सो अनबॉक्सिंग वीडियो तो यार आपको यूट्यूब पर बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो मैं टेस्ट करने वाला हूँ वो वीडियो शायद आपको ना मिले। और गाइज मैं आपको एक वीडियो दिखा दूँ भाई रेडमी नोट 9 प्रो की, देख लीजिए वो वीडियो देखिए। दिखने में बहुत ही कूल है और जैसे इस पर आप केस लगाओ तो कैमरा बम भी छुप जाएगा। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ इस फोन के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो हमें राइट साइड में जो है वॉल्यूम रॉकर्स और पावर बटन देखने मिल जाता है। जो पावर बटन है मेरे को काफी ऊंचा लगा, बट जो वॉल्यूम रॉकर्स है स्क्रीन टूट गई। हाँ हाँ देख गाइज एक बहुत ही अजीब बात हुई है, इतनी कम हाइट से मैं एक चेयर पे बैठा हुआ और ये फोन यहाँ से गिरा है और इसकी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है, टूट गई है लाइक लिटरली। और गाइज अभी मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कि उसने वो तो ड्रॉप करने का काम ही करते हैं ये तो आप देख लो पहले वो ड्रॉप किया और क्या हुआ, आप पहले देख लो फिर आप आना इस वीडियो पे, ठीक है? आप पहले वो वीडियो देख लो। सो गाइस यार अभी आपने जो वीडियो देखी वो रियल है, कोई भी फेक नहीं है। रेडमी कंपनी को इसको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इसकी बिल्ड क्वालिटी में, इसमें कोई भी यार रेडमी को नीचा दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई। मेरे फ्रेंड ने पर्सनली रेडमी नोट 9 प्रो परचेस किया है, उसका परफॉर्मेंस भाई धांसू परफॉर्मेंस है। और इसके बाद मैं हो सके तो उसका गेमिंग रिव्यू भी लाने वाला हूँ और उसका कंप्लीट रैम मैनेजमेंट वीडियो भी लाने वाला, तो स्टे ट्यून करना उसके लिए।